हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम जे बर्ड एंड यू आर वाचिंग एस डी ट्रेडर। दोस्तों, आज का जो यहाँ पे वीडियो रहेगा उसमें हम कवर करेंगे दोनों के लिए, जो इंट्राडे भी करते हैं और जो पार्ट टाइम ट्रेडर है, जो वीकली जहाँ पे चार्ट और सब देखते हैं और फिर वहाँ पे उनका जो जीटीटी ऑर्डर रख के जाते हैं कि अभी ये वीकली ब्रेकआउट आया है, हम उसको लॉन्ग करेंगे। जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए भी ये काम आ सकता है। तो इस वीडियो में हम स्कैनर बनाएंगे जहाँ पे हमें वीकली ब्रेकआउट मिलेगा, जो हमारी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से हमें वहाँ पे ट्रेड मिलना चाहिए, वो हम आज इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। इसमें मैंने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बनाया है स्कैनर करके, जहाँ पे मैंने 14 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है, ये आपका कैसे स्टॉक को आप फाइंड आउट कर सकते हो, पोटेंशियल ब्रेकआउट है। सबसे ज़्यादा जो देखा गया वीडियो वो है पोटेंशियल ब्रेकआउट का है। फिर RSI बुलिश डाइवर्जेंस कैसे मिल सकता है, बेरिस कैसे मिल सकता है, स्टॉक को कैसे आप पता कर सकते हो, गोल्डन क्रॉस ओवर क्या है, ये सब आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा वीडियो मिल जाएगा इसी 14 स्क्रीनर के अंदर। तो और एक हम यहाँ पे आज ऐड करने वाले हैं, वो है वीकली ब्रेकआउट। तो हम सीधे चलते हैं चार्टिंग की वेबसाइट पे, जहाँ पे आप स्क्रीनर पे क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। आपको करना क्या है, क्रिएट योर ओन करना है। जैसे करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आपको दिख रहा है कि कैश के सब स्टॉक। अगर आपको कैश के सब स्टॉक नहीं करने हैं तो बैंक निफ्टी, ETF, जो भी आपको यहाँ पे करना है, जैसे निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी ले रहे हैं हम निफ्टी 500 को। फिर यहाँ पे पहला हमारा आएगा कि जो लेटेस्ट क्लोज है वो यहाँ पे ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा वीकली का लो। जो एक वीक का लो रहता है उससे हमारा लो अभी का जो क्लोज है वो हायर होना चाहिए। फिर आएगा यहाँ पे सेकंड कि अभी जो लेटेस्ट क्लोज है वो हमारा आना चाहिए ग्रेटर देन हाई आना चाहिए, यानी कि जो एक वीक का पहले का जो हाई है उससे अभी का हमारा हाई होना चाहिए। इसका यहाँ पे आना चाहिए वॉल्यूम, जो अभी लेटेस्ट वॉल्यूम है ग्रेटर देन, यहाँ पे हम नंबर कर देते हैं। तो नंबर में क्या करता हूँ मैं, ज़्यादातर यहाँ पे वॉल्यूम में मानता हूँ, वो 10 लाख के ऊपर होता है तो वो अच्छा वॉल्यूम रहता है, उसको हम मानेंगे यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे प्राइस को, यानी कि जो अभी का जो लेटेस्ट प्राइस है वो नंबर के हिसाब से क्या होना चाहिए। जैसे आप अगर मेरे पुराने मेंबर्स हो तो आपको पता है कि मैं 100 के ऊपर के ही प्राइस को थोड़ा मॉनिटर करता हूँ और उसी को मैं ट्रेड करता हूँ। तो अभी के हिसाब से यहाँ पे हमने इतना कंडीशन लगाया। आगे और हम यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं कंडीशन जानने के लिए कि इसको कैसे फिल्टर किया जा सकता है। तभी इसको सिंपल रन करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टॉक आते हैं अभी 15 स्टॉक है, जिसमें से यहाँ पे आप देखोगे तो जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो आ रहा है जी एंटरटेन में, जिसका यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो दो वीक का था उसका यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है और काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ऊपर की साइड हमें ब्रेकआउट मिला है। तो ये एक आपको एक कंफर्मेशन मिलता है। अभी उसको और हम कैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें चाहिए कि जो भी स्टॉक हमें मिल रहा है वो 200 डेज का जो EMA है उसके ऊपर होना चाहिए। तो यानी कि जो हमारा लेटेस्ट क्लोज है वो ग्रेटर देन, यहाँ पे हमारा EMA कर देते हैं हम, नंबर आएगा यहाँ पे 200। तो 200 यानी कि यहाँ पे डेली का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे स्टॉक 15 में से हो गए 10, यानी कि जो जी एंटरटेनमेंट है इतना अच्छा ब्रेकआउट देने के बावजूद भी वो अभी 200 डेज से नीचे है, तो हमारा वहाँ पर उसने एग्जिट कर दिया। और जो अभी के हिसाब से आ रहा है फर्स्ट, वो है NCC, जहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था यहाँ पे ब्रेकआउट, अभी उसी जगह से इसने सपोर्ट लेके बाउंस दिया और अच्छा सा ब्रेकआउट वीकली चार्ट में दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा सा हमें स्टॉक मिला है। फिर यहाँ पे हम दूसरा देखेंगे कि अभी इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कोई भी जैसे पीवोट ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे पीवट भी कर सकते हो कि आपका यहाँ पे P1 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि पहला जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है उसके ऊपर R1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपल कर सकते हो क्लोज ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे पीवट कर सकते हो, यानी कि ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर
अगर है तो वो आपको चाहिए तो भी आप रन कर सकते हो, तो आपको उसमें से कम हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका जो भी कंडीशन है वो कर सकते हो। मैं ज़्यादातर ये नहीं रखता हूँ। इसके अलावा आप एक और क्या कर सकते हो, आप इसको ही कॉपी करके यहाँ पे 20 कर सकते हो। तो क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम का भी आपको मिल जाएगा और बड़ा टाइम फ्रेम का भी मिल जाएगा। तो इसमें रन करने के बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं टोटल 10 स्टॉक, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से देख सकते हो, सबसे हाईएस्ट ये है, सेकंड आ रहा है यहाँ पे BPCL जिसने यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट दिया है, और उस हिसाब से आपको नंबर ऑफ स्टॉक यहाँ पे मिल जाते हैं। आप उसको अगर डेली करना चाहते हो, यानी दो दिन के ब्रेकआउट चाहिए आपको या तीन दिन का चाहिए, अगर आपको तीन दिन का चाहिए ब्रेकआउट तो आप क्या कर सकते हो, ये जो वीकली अगो है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो 3 डेज अगो। यहाँ पे भी आप 3 डेज अगो करोगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा पूरा। तो इसको जैसे रन करोगे आपके जो नंबर ऑफ स्टॉक है वो बढ़ गए, क्योंकि तीन दिन में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा जो ब्रेकआउट मिला है। तो जो ब्रेकआउट तीन दिन का है उसमें जो फर्स्ट स्टॉक आ रहा है वो है पावर ग्रिड आ रहा है, फिर कल्याण ज्वेलर्स आ रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे इसके जो प्रीवियस लो एंड हाई दोनों के ऊपर जाके क्लोज हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह पे ये प्लॉट हुआ है। अब इसके ऊपर यहाँ पे 120 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे और ब्रेकआउट आ सकता है। तो आपके ऊपर है, आपको कौन सा आपका कंडीशन रहता है, आपको किस हिसाब से आपका यहाँ पे स्क्रीनर बनाना है। जैसे यहाँ पे आप बना लेते हो, आपको सेव कैसे करना है वो भी देख लेते हो। आप जैसे यहाँ पे सेव करोगे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप नाम लिख दो, जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है लिख दो, यहाँ पे कैटेगरी आपके हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न कर सकते हो, फिर नीचे जाके यहाँ पे सबमिट कर देना। तो वो क्या होगा, आपका वो स्क्रीनर तैयार हो जाएगा, आपको वहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको ये आप इसका ये बेहतरीन स्क्रीनर आपके लिए बनाओगे जो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए एज वेल एज इंट्राडे के लिए भी ये मदद करेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।